घर की छत पर गिरा MiG-21 विमान, 3 महिलाओं की मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार सुबह वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MiG-21 मकान के ऊपर छत पर गिरा, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं पायलट के अलावा 3 अन्य लोग घायल हो गए। वायुसेना के मुताबिक विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। हादसे से पहले पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित रूप से कूदा। पायलट का सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विमान ने सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी। जांच के आदेश। विमान बहलोल नगर गांव के बाहरी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना के हादसे के कारण पता लगाने के लिए इंक्वायरी गठित की गई है। मकान पूरी तरह से ध्वस्त। विमान रति नाम के व्यक्ति का था। रतिराम नामक शख्स के मकान पर ये हादसा हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। मकान क्षतिग्रस्त हो गया और पास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। चश्मदीद ने बताया कि उसने तेज आवाज़ सुनी और पैराशूट नीचे आते देखा। चंद सेकंडों में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर दुख जताया है। वहीं पीड़ितों के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और 50 लाख रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है।